के समय जो प्रणाम मंत्र है उनका अर्थ श्रवण करते हैं। एक बात है, अगर भगवान का नाम और नाम की महिमा हमें मालूम हो केवल शाब्दिक रूप से, और नाम की महिमा को चिंतन करते हुए हम भगवान का नाम करें,
तब नाम का रूप, नाम का गुण, नाम की लीला प्रकाशित होती है। जैसे अगर आपको मदन गोपाल शब्द का अर्थ मालूम हो, शाब्दिक अर्थ, तो मदन गोपाल का नाम, मदन गोपाल की लीला और मदन गोपाल के परिकर, इनका अनुभव होता है, अनुभव होने लगता है। जैसे मदन गोपाल, गोपाल है लेकिन मदन है, मदन मतलब जो मद, मद अभिमान, ना ना रहने दे, मदन जो अभिमान को ना रहने दे, किसी के रूप के अभिमान को, किसी के गुण के अभिमान को, किसी के किसी भी तरह के अभिमान को ना रहने दे, वो मदन गोपाल है। मदन गोपाल का और दूसरा अर्थ है जो गोपाल सबके मन को हरण कर ले, जो गोपाल कामदेव की तरह सबके मन को मत दे, समझे, उसको मदन कहते हैं। साधारण मदन का अर्थ है कामदेव, और कामदेव का एक नाम है मनमथ। तो मनमथ, मनमथ गोपाल, जो मन को मथने वाला है उसके मन को मथ दे, वो मदन गोपाल। समझ लगी? मनुष्य और सारी सृष्टि सिर्फ वासना के अधीन है, वासना संसारिक विषय भोग वासना। संसारिक विषय भोग वासना में व्यक्ति का मन जो है ना, वो मथ जाता है, जैसे दही मथ जाता है ना, ऐसे उसका हालत हो जाता है, उसको कुछ पता नहीं लगता, मैं सख्त था, बिल्कुल जो हो जाता है उसका। कहते मन मथ, अर्थात संसार के, सारे संसार के मन को मथने वाला कामदेव जो है, उसके मन को जो मथ दे, मनमथ मनमथा, उसके मन को जो मथ दे, वह मन मन मनमथ मनमथा, अर्थात मदन मोहना, मदन को मोले, मदन गोपाल का अर्थ भी ऐसे है, जो मदन को गायों की तरह पालन करे, मतलब उसको वशीभूत कर ले, वो मदन गोपाल। तो ऐसे जब भगवान का नाम हम उच्चारण करते हैं, उसके साथ उसके नाम का अर्थ जब हमें मालूम हो, अर्थ के साथ जब हम नाम करें, तो उसका असर अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा ना? जब ऐसे बैठा होता है ना कोई, उसको कुछ समझ नहीं आता, जब ऐसे बैठा होता है कोई, उसको सब समझ आता है। और कैसे बैठा है? क्लास में जो सामने होता है ना बच्चा, वो टीचर के मुंह को देखता है। मुंह को देखने का मतलब सुनता है, बिना देखे भी सुन सकता है ना, लेकिन बिना देखे समझ में नहीं आएगा। जब कोई बोलता हो उसके इसको देखो, उसके लिप्स मूवमेंट को देखो, तो तुम्हें समझ में आने लगेगा। तो जितने भी हम लोग प्रणाम मंत्र करते हैं,
उनका अर्थ अगर हमें मालूम हो तो प्रणाम करते हुए भाव बनता है, भाव हृदय में संचारित होता है। जैसे हमने पीछे गुरु जी के प्रणाम का 2-3 दिन लगातार अर्थ समझा, अभी वही प्रणाम मंत्र जब करते हैं तो उसका अर्थ जो है प्रकाश होता है। पीछे चोर अग्रकन्या जो अष्टक है उसका अर्थ चल प्रकाश कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। आपको कोई श्लोक का अर्थ, कोई ऐसा जिसे हम वंदना करते हैं उसका अर्थ कुछ जानना है? जैसे नरसिंह मंत्र भी किया था, सब रिकॉर्डेड है फेसबुक पे ना, तो आप पुरानी जो शाम की कथाएं हैं उनमें जाओगे तो उसमें सब में कोई ना कोई श्लोक, कोई ना कोई नरसिंह मंत्र वगैरह का व्याख्या है। कुछ सुनना है, पूछना है? ना मतलब संक्षेप से दोबारा से शुरू करूँगा, एक बार दो संक्षेप कर चुका हूँ, संक्षेप भी किया ना, एक हल्का हल्का चल के एक बार आए हैं, पूरा नहीं किया था। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र वहाँ तक हुआ, क्यों नहीं करते? नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत करते तो चलिए। चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा अष्टक है उसे चैतन्य शिक्षा अष्टक कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है आपने? सुना है चैतन्य महाप्रभु? नाम नहीं सुना? ये यहाँ जो राधा रानी खड़ी, बीच में कृष्ण हैं और इधर चैतन्य महाप्रभु हैं, ठीक है। कृष्ण भगवान जी एक दिन सोचने लगे कि मेरी सेवा करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है। जैसे कोई मेरे चरण दबाए तो मुझे तो सुख मिलेगा, अगर वो चरण दबाने की छुट्टी मिल जाए उसको तो उसे सुख मिलना चाहिए कि चल आज छुट्टी मिली। ऐसे होता है ना मम्मी को, चल आज कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसे होता है? मम्मी ऐसे करती है हाँ? ऐसे करती है मम्मी? नहीं ना, राधा रानी ऐसी नहीं है। राधा रानी को अगर सेवा ना मिले, राधा रानी को अगर ठाकुर जी की सेवा में कमी लगे तो राधा रानी रो रो करके पागल हो जाती, बेहोश हो जाती। तब ठाकुर जी के मन में आया कि आखिर मेरे सेवा करके उनको क्या मिलता है। भाई मुझे सेवा करते मेरे को आनंद मिलता है, लेकिन मेरी सेवा करके उन्हें क्या मिलता है कि जिसको नाम मिलने से वो बेहोश हो रहे हैं, उन्हें होश ही नहीं आ रही, उन्हें समझा रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं कृष्ण आ गए, जैसे सुनते एकदम आनंद में डूब जाती हैं। आखिर क्या मिलता है उनको? भगवान कृष्ण जी ऐसा सोचने लगे, समझ आ रही है? फिर उन्होंने राधा रानी से प्रार्थना की कि आपका हृदय जो है, आपके दिल हृदय में जो भाव है मेरे प्रति,
वो अगर भाव एक बार देखने को मिल जाए, एक बार टेस्ट करने को मिल जाए, क्या से भाव से आप मेरी सेवा करते हैं, तो मुझे भी मालूम पड़े कि मेरी सेवा करके भक्त को क्या आनंद मिलता है। समझ लगे? इस भाव को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के भाव को लिया, और राधा रानी के रूप गोरी है ना राधा जी, श्याम सुंदर तो श्याम वर्ण के हैं, तो उनके गोरे रूप को लिया, दोनों को लेकर के चैतन्य महाप्रभु रूप से आए। समय लग गए? तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण के अवतार, श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु हैं। आए राधा रानी का भाव लेकर के, भक्त का भाव लेकर के, भक्तों के हृदय में क्या आनंद होता है मेरी सेवा करके इसको देखने के लिए, ठीक, वो चैतन्य महाप्रभु। तुम्हें समझ आ गई? चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे आए थे मालूम है? तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ नहीं सिखाया, जब मम्मी पापा के पास बैठने का टाइम नहीं, बैठने का टाइम नहीं, मम्मी को मालूम भी नहीं, मालूम है मम्मी को चैतन्य महाप्रभु कहाँ आए, कहाँ पे आए? चैतन्य महाप्रभु बंगाल में मायापुर में आए। कहाँ आए? कलकत्ता के 125 किलोमीटर दूर, वहाँ पर सची माता और जगन्नाथ मिश्र, मिश्र परिवार, जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पुत्र के रूप में आए। ठीक, कौन है चैतन्य महाप्रभु बोलो, अभी बोला एक मिनट पहले, कौन चैतन्य महाप्रभु कौन है, फिर से बोला कौन है, हैं? बोल बोल, कौन? नकल मार के पास होती है क्या? कौन है? श्री कृष्णा, राधा रानी के भाव को लेके आए। ठीक है, श्री, ध्यान देना, कृष्ण भगवान जी राधा रानी जी के भाव को लेकर के बंगाल में मायापुर में जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पुत्र के रूप में आए। समझा गए? समझ आ गया? उन चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार को बड़े बड़े ग्रंथ लिख के नहीं दिए, उन्होंने कान से सुनो आंख से देखो तब बोल पाओगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावा अग्नि, भव महा दावा अग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम अम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा अमृत अस्वादनम सर्व आत्म सर्व आत्म आत्म नहीं आत्म सर्व आत्म गड़बड़ बोल रही हो सर्व आत्म सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ठीक है, ये श्लोक पहला है, ऐसे 8 श्लोक हैं, इसका अर्थ हम लोग थोड़ा सा चिंतन करते हैं। चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करने वाले, चित्त क्या है? चित्त को उन्होंने दर्पण का क्यों उपमा दी?
चित्त किसे कहते हैं मालूम है? चित्त किसे कहते हैं पता है? जोर से बोला करो। नहीं, चित्त होता है मन बुद्धि अहंकार से भी सूक्ष्म, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म। चित्त है चैतन्य आत्मा की चिंतन शक्ति। आत्मा जिससे चिंतन करती है उसे कहते हैं चित्त। मन जिसका मनन करता है वो है शरीर। बुद्धि जिसका चिंतन कर सकती है वो है मन। बुद्धि मन के बारे में सोच सकती है, मन की तरंगों को जान सकती है, लेकिन चित्त जो है मन बुद्धि अहंकार इन तीनों के ऊपर है। जिसका चित्त शुद्ध नहीं है उसकी बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं हो सकती, उसका मन कभी भी साफ नहीं हो सकता, जहाँ चल नहीं सकता। इसलिए चित्त, मोटी बात समझने के लिए, चित्त है आत्मा की चिंतन शक्ति। जहाँ आत्मा विचार करती है उसे कहते हैं चित्त। उसे लेकिन दर्पण कहा। दर्पण का मतलब होता है दर्पण, अर्थात आप कैसे हो आपको वैसा दिखला दे, उसे दर्पण कहते हैं। दर्प का एक अर्थ होता है अभिमान। आपको दर्पण में अपने आप को देख करके अभिमान आ जाता है ना, मैं सुंदर हूं, मैं ऐसा हूं। कहते हैं उस अभिमान को जो तोड़ दे वो वास्तविकता में दर्पण है, वो है चित्त दर्पण। चित्त को कहा तेरा मन दर्पण कहलाए। और जो मन दर्पण है ना वो महाप्रभु ने नहीं कहा। मन को दर्पण दुनिया कहती है, वास्तविकता में मन दर्पण नहीं है। दर्पण वो है जो आपके सारे के सारे अभिमान को चूर चूर कर दे और आपको दिखला दे आपकी औकात, वो है दर्पण। जैसे अक्सर हम लोग महापुरुषों के पास जब भी जाते थे अपने आप में दीनता, महाराज जी थोड़े सेवक हैं, बहुत थोड़ी कृपा है, आपके बिना महाराज कुछ नहीं है, नाटक करते थे। जैसे ये सोचते कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है। ये बात नहीं है, कई बार दीनता भी होती थी, लेकिन उस दीनता में हम कितने गिरे हुए हैं। और अगर हमें वह मालूम हो जाए कि मैं इतना ही गिरा हुआ हूं कि मैं इस शरीर में आसक्त हूं, इस शरीर में आसक्त होने से ज्यादा कोई गिरा हुआ हो सकता, गिरी हुई अवस्था हो सकती है? मैं अगर इस बच्चे को देखता हूँ मेरी बुद्धि जो है ना बच्चे वाली हो जाती है, उधर समझाने का चला जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को देख करके बोलूँगा, तुम लोग कोशिश करना समझने की, थोड़ी सी ऊपर से निकलेगी बट ध्यान से सुनते रहना। शरीर में आसक्त होने से ज्यादा गिरी हुई अवस्था कोई हो नहीं सकती, मतलब इससे गंदी अवस्था कोई नहीं हो सकती। आप कहें क्या बात कर रहे हैं, ध्यान देना। शरीर बना किससे है? टट्टी और पेशाब से। कैसे बना है? आप जो खाते हो उस खाने में से कुछ तो पार्ट चला जाता है गंदगी में, टट्टी पेशाब में, उसमें से जो बचा करके कुछ शरीर के जीव जो हैं वो आपके शरीर को बनाते हैं। तो किससे बना? गंदगी से बना, क्यों नहीं? चलो ऐसे समझ नहीं आ रहा, आपके शरीर से निकलने वाली कोई भी चीज ऐसी बता दो जिसमें सुगंध हो, कोई भी ऐसी चीज दिखला दो आपके शरीर से निकलने वाली जो कि आप बाद में खाने वाले हो।
इस शरीर की एक नाखून को एक उंगली को काट करके आप रख दीजिए, उसमें से इतनी बदबू आएगी कमरे में नहीं रह पाओगे। एक छिपकली मरने से क्या हाल हो जाता है ना, चूहिया मरने से कैसा होता है, तो उससे ज़्यादा इस उंगली के कट जा करके रखने से इतनी गंदी बदबू आती है कि बंदा रह नहीं पाता है, ढूंढता है कि कहाँ पे है ये, होता है ना ऐसा। तो उतने गंदे शरीर को कोई बंदा सोचे कि मैं यही हूँ, उसी को घिसे, उसी के लिए करे, हैं, किसको सजाते हो, किसको सजाते हो, किस में सजाते हो, सजाते हो दर्पण में, दर्पण में तो सजाते हैं, किसको सजा रहे हो, खुद को, खुद को नहीं बेटा, शरीर को, खुद तो शरीर में फंसे हुए हो, जिस शरीर में फंसे हो वो गंदा शरीर है, इससे ज्यादा और गिरी अवस्था क्या हो सकती आत्मा की, इससे ज्यादा और गिरी अवस्था क्या हो सकती आत्मा की, ये सबसे ज्यादा गिरी अवस्था। और इसी देहाभिमान को लेकर के हम महापुरुषों के पास जाते थे जब उस धरातल पे थे, हैं, और जाकर के हम लोग अपने आप को महाराज जी बस हम सोचते थे हमसे ज़्यादा भक्त कोई बड़ा है ही नहीं, जो कि उस वक्त हमारे हृदय में दीनता होती तब अलग बात होती। जानते हो दीनता कहाँ से आती है, दीनता आती है जब आपका दर्प अभिमान नहीं रहता, अभिमान नहीं रहता कब, जबकि चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाता है, जब चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाता तब वह दिखलाता कि तुम कौन हो, कैसे हो, ये दिखलाता। तो चेतो दर्पण मार्जनम का अर्थ है चित्रूपी दर्पण को मार्जन मार्जित करने वाले। जब चित्त आत्मा की चिंतन शक्ति है, जहाँ आत्मा का चिंतन प्रकोष्ठ है, जहाँ आत्मा का चिंतन स्थान है अगर चित्त, तो आत्मा तो पवित्र है, तो आत्मा का चिंतन स्थान अपवित्र कैसे हो गया, वो गंदा कैसे हो गया, है ना, वो गंदा हो सकता है, वो तो गंदा नहीं हो सकता है, चित्त तो कभी गंदा हो नहीं सकता, फिर क्यों वहां पर बोला साफ करते हैं उसको मरी मार देना, क्यों कहा। ये उसी प्रकार से है जैसे हीरे का हीरा गंदी नाली में गिर गया और उसके ऊपर गंदगी चढ़ गई। प्रश्न ध्यान से सुनना, उत्तर ध्यान से देना, क्या हीरे में गंदगी है, क्या हीरे में गंदगी है, क्या हीरे पे गंदगी है, ना हीरे में गंदगी ना हीरे पे गंदगी, गंदगी हीरे से पूरी तरह अलग है, गंदगी पूरी तरह हीरे से अलग है, लेकिन हीरा उसमें लथपथ हो गया, उसके अंदर अपने आप को हीरे ने समा दिया, जिसके कारण अब हीरा नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण अब हीरा नजर नहीं आ रहा है, ऐसी अवस्था चित्त की है। चित्त कभी भी ना गंदा था ना गंदा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए किस चीज की गंदगी आई, अब ध्यान से सुनना, उसके ऊपर किस चीज की गंदगी आई, मन बुद्धि अहंकार की, किसकी गंदगी आई, कौन से मन की, कौन से बुद्धि की, कौन से अहंकार की, जो मन हमें
शरीर के लिए ही केवल मात्र चिंतन करने में लगा देता है। जो बुद्धि हमको शरीर के अलावा कुछ और सोचने ही नहीं देती, जो अहंकार हमें बतलाता कि हम ये हैं, इसका सुख ही सुख है, ये मन बुद्धि अहंकार, जड़ मन बुद्धि अहंकार जो है, ये शरीर, ये चित्त के ऊपर गंदगी है। आपका प्रश्न अच्छा है, मन और बुद्धि में अंतर क्या है? देखा जाए मन बुद्धि अहंकार ये तीनों मिश्रण है। मिश्रण जानते हैं, जैसे ये शरीर पांच तत्वों का मिश्रण है, इसमें से आप एक भी तत्व को अलग से नहीं दिखला सकते, दिखला नहीं पाएंगे। अगर आँख में से आप दिखाना चाहें आग तो नहीं दिखा सकते, है ना, लेकिन आँख में अग्नि है तभी वो देख पा रही है, दृश्य तभी देख सकती है, आँख में रोशनी जिसे कहते हैं, अग्नि है। पेट में अग्नि है लेकिन अग्नि ऐसे जलती हुई दिखाई नहीं देती, जठराग्नि। क्रोध में अग्नि है लेकिन क्रोध में अग्नि जलती हुई दिखाई नहीं देती, बंदा उबलता है। समय लग रही है? तो जैसे ये तत्व एक साथ जुड़े हुए मिले हुए हैं, इन्हें अलग करके कोई दिखला नहीं सकता, लेकिन इनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। इसी प्रकार से मन बुद्धि अहंकार ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हैं, लेकिन इनकी अलग अलग परिभाषा है। वो क्या है? मन, मन का मतलब है जो संकल्प और विकल्प करे, संकल्प विकल्प। एक काम करता हूँ, ऐसा कर लो, नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा ठीक होगा, नहीं ऐसा ठीक होगा, जो ऐसा करता रहे वो है मन। जो स्थिर नहीं है, ध्यान देना, जो स्थिर नहीं है, कभी ये तो कभी वो सोचता रहता है, उसे कहते हैं मन। ठीक, बुद्धि कहते हैं जो निर्णय लेती है, नहीं ये ठीक है, वो है बुद्धि। जो डावाडोल की चीज है उसको स्थिर कर दे, उसको स्थिर करे, वो है बुद्धि। और अहंकार तो अहंकार है, अहंकार का मतलब है अपना अहम, अपना अहम मतलब मैं आकार में परिवर्तित कर दे। अपने अहम को हम इस शरीर रूपी आकार में परिवर्तित कर दे, अपने शरीर को ही मैं समझने लगूं, अहंकार। शुद्ध अहंकार, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध मन, ये तीनों चीजें थोड़ा सा अलग है। ये आत्मा की प्रक्रिया हो जाती है, जो शुद्ध है जो शरीर के बारे में चिंतन करते हो, अशुद्ध है। अब ध्यान दे दीजिए किस प्रकार इसको हम समझेंगे, मन और बुद्धि अलग अलग है। मान लो हमारे पर मुझे निष्किंचन महाराज उदाहरण देते थे, आप गए स्वीट शॉप पे, ठीक है, सारी मिठाइयाँ खुली हैं और आपके मन में आया पैसे तो कम है, थोड़ा इसका टेस्ट मिल जाता है, और वहाँ टेस्ट करने को मिलता नहीं, ठीक है ना, जैसे है एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं, तो ओ जाके मिठाई लेके आनी थी और तो बारिश हो रही थी, हाँ डेली आधा किलो मिठाई जो है वहाँ से लानी है और 3,000 रुपये उनको महीने का देना है, उसका फाइनल किया है। चलिए मिठाई की दुकान पे हैं और वो मिठाई का नाम ही ऐसा है कुछ चुलबुली, और दिखने में भी कुछ ऐसी है, तो आपका दिल ललचाएगा ना, मन क्या करेगा, अरे हाय कैसे है, नहीं हाथ ऐसे ऐसे करेगा, बंदा भी नहीं है कोई, हैं
एक उठा के खा ही लेता हूँ, ऐसा होता है। तो वो जो उठाने की बात सोच रहा है, जिसके अंदर लोभ आ रहा है, जो कह रहा है पैसा नहीं है, वो कह रहा है कि अगर खाएगा, बुद्धि कहती है बेटा अगर ऐसा करेगा ना जूते पड़ेंगे, पकड़ा गया तो कोई तो नहीं है इधर उधर देखता, कोई नहीं है, अरे ऊपर कैमरे लगे हैं, ओ कैमरा लगा, बुद्धि निर्णय देती है। ये यहाँ पे बुद्धि और मन की क्रिया होती है। मन कहता खा ले, कोई नहीं, बुद्धि कहते जूते पड़ेंगे पकड़ा गया तो। ये मिक्स है एक साथ में ना, बड़े बहुत जल्दी क्विक इनका, इनकी कन्वर्सेशन बड़ी क्विक होती, बड़ी जल्दी इनकी आपस में वार्तालाप होती। कैसे आपस में वार्तालाप बड़ी जल्दी होती, जैसे आपके पैर में कोई कांटा चुभे तो आधे घंटे बाद आपको नहीं पता लगता कांटा चुभा, इमीडिएट उधर लगा, उधर दर्द इधर, क्यों? इतनी स्पीड है हमारे शरीर के अंदर के जीवों की, एकदम वो सेंटर को जा कर के क्लिक करते हैं। इससे कहीं ज़्यादा स्पीड है मन और बुद्धि की, जो एक दूसरे के साथ जो उनकी कन्वर्सेशन होती है, ये समझ नहीं पाता साधारण आदमी कि ये बुद्धि की है या मन की है। ऐसे होता है, कहते ना एक मन कहता कर ला, एक मन कहता नहीं कर, होता एक ही मन है, दो मन नहीं होते, तो वो बुद्धि होती है दूसरी, समझ लगी? एक मन कहता चल जो भी है देखा ही जाओ, अब तो दिल दे दिया तो दे दिया, दूसरा मन कहता नहीं ऐसे कैसे दिल दे दिया, वास्तविकता में दूसरा दिल नहीं, दूसरा मन नहीं कहता है, बुद्धि कहती है, समझ लगी? तो ये मन और बुद्धि और अहंकार से ऊपर आत्म की चिंतन शक्ति जो है, आत्मा का चिंतन प्रकोष्ठ जो है, उसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दर्पण, उसे कहते हैं चित्त, चित्त रूपी दर्पण। इसी चित्त में, ध्यान दीजिएगा, इसी चित्त में जन्म जन्मांतरों के संस्कार संचित होते, वही गंदगी के रूप में होते। जन्म जन्मांतरों में जो हमने मन बुद्धि अहंकार से किए हुए कर्म हैं, उन कर्मों का प्रभाव इनके ऊपर जमता रहता है। तो इसकी लेयर अलग अलग है, जैसे धूल है तो आपने कपड़े से साफ कर दिया, कीचड़ है तो आपको पानी से साफ करना पड़ा, है ना। अगर पत्थर की जैसी लेयर बन जाए, जैसे माना जाए, कई बार आप लोग देखते होंगे आपके बाथरूम वगैरह में वाइट वाइट कलर सी लेयर बन जाती है, तो पानी से नहीं जाती है, वो एसिड डालना पड़ता है, है ना, एसिड डालना पड़ता है। ऐसे ही अगर वज्र का लेप हो जाए तो उसको धीरे धीरे छेनी से तोड़ना पड़ता है, अंदर शीशा ना टूटे, है ना। इसी प्रकार से जहाँ पर आपको ज्ञान, तथा कथित ज्ञान, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, जो ऐसा ज्ञान है आत्मा ही परमात्मा है, ये है वज्रलेप, ये उस पत्थर की तरह है जिसमें और कोई ज्ञान टिक ही नहीं सकता। आप उसमें भक्ति की बात करो आएगी नहीं, क्यों? आत्मा ही परमात्मा है तो किसका भजन, किसका ध्यान, सो हम सो हम सो हम, अरे सो मतलब वो, अहंग मतलब मैं वही, मैं वही, हो सकता है तू वही है क्या? मैं वही हूं, ज्योत स्वरूप हूं, निराकार हूं, जो इस प्रकार से चिंतन करते हो, वज्रलेप है, वज्रलेप समझ आ गया ना, उसके ऊपर कोई भक्ति की बात टिकी नहीं सकती, उसके ऊपर कोई प्रेम का अंकुर हो ही नहीं सकता। उसके लिए उसको धीरे 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 हरि कथा रूपी छैनी और हथौड़े से काटना पड़ेगा, और वो कोई अच्छा कारीगरी कर सकता है, मेरे जैसे अनाड़ी को दोगे मैं तोड़ ही दूंगा, अरे तू भगवान, अरे दो थप्पड़ लगाए वह बता भगवान है, समझ लगी? आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा सुनते आए हो ना, क्या आत्मा ही परमात्मा है? अगर आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा माया में क्यों फंस गया? हाँ, परमात्मा ने माया में फंसा, माया के विकार में आ गया, इसका परमात्मा विकारी हो गया क्या? परमात्मा विकारी होता है, इसलिए वज्रलेप है।
कीचड़ वाला लेप कौन सा है? कीचड़ का लेप है सिद्धियां प्राप्त हो गई, योग सिद्धियां प्राप्त हैं। कोई आया, हाँ बच्चा क्या बात है, जा तेरा हो जाएगा, तेरा नहीं होगा, जा। ये सिद्धियां प्राप्त हो गई, योग सिद्धियां, ये कीचड़ लेप है ठीक, और एक धूल का लेप है, धूल का लेप है। अच्छे कर्म करता है, उसे पता ही नहीं है कि भगवान की भक्ति क्या है। लोगों को पानी पिला दिया और लोगों के सेवाएं कर दी, ये है धूल का लेप। वास्तविकता में लोगों की सेवा करना पाप नहीं है, अच्छा है, परंतु किस उद्देश्य से कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। मेरे पास में अभी कुछ दिन पहले यहाँ कोई आया, उन्होंने बोला स्वामी जी मैं कोई हरिनाम नहीं कर सकती, लेकिन मैं सोशल सर्विसेज करती हूँ, लोगों की सेवा में हमारा, हम लोग एनजीओज हमारा ग्रुप है, तो हम लोग बहुत ऐसा सेवा करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा आप लोग क्या सेवा करते थे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कहते और उसको एकदम झटका सा लगा मेरे से पूछा, मेरे से तो सीधा सीधा ही होता है ना उत्तर। मैं कहा मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं कहा गाय से ज़्यादा आप सेवा नहीं कर सकते, मेरे को लगता है सुअर हमसे ज़्यादा सेवा करता है, गंदगी सफाई करता है। वो सुन के हैरान हो गई कि क्या कह रहे हैं, बंद कर दे। पशु पक्षी ये सब हमसे ज़्यादा सेवा करते हैं, हमसे ज़्यादा शांत हैं, हमसे ज़्यादा वो बहुत ईमानदार हैं, है ना? तो हमसे ज़्यादा सेवा गैया करती है, मनुष्यों से ज़्यादा। वो अपने बच्चे के अलावा उसको दूध पिलाती, 10 जनों को और दूध देती है ना, धरती माता। तो इसलिए सेवा करने से दूसरों की भगवान प्रसन्न हो जाएंगे या आपका कल्याण हो जाएगा, ये नहीं सही बात। इसके साथ में आपको भगवान का नाम जोड़ना होगा। भगवान का नाम क्या है? रामकृष्ण तो भगवान का नाम नहीं है, मूर्ख लोग हैं ऐसा बोलते हैं। राम का मतलब है जो आत्मा में रमण करे, वो राम है। कृष्ण का अर्थ है जो सबको आकर्षण करके आनंद दे, कृष्ण ना आकर्षण करके आनंद दे, वो कृष्ण है। तो भगवान के नाम को अगर हम अपने शुभ कर्म के साथ लगाते हैं, करते हैं, तब वह बनता है पुण्य ठीक। भगवान का नाम लगाने से, नाम करवाने से अगर वो सामने वाला करता है तो बन जाता भक्ति, वही कर्म। तो कर्म रूपी गंदगी भी चित्त को ढके रहते हैं, शुभ कर्म रूपी गंदगी भी चित्त को ढके रहते हैं। तो चित्त को साफ करने के लिए नाम संकीर्तन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री मतलब श्री राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण, संकीर्तनम मतलब उनके सम्यक कीर्तन, जिसमें उनकी लीला का, गुणों का, जिसमें उनकी शक्ति का वर्णन हो, ऐसे कीर्तन। इसके द्वारा चित्त रूपी दर्पण मार्जित होता है, समझ आई अभी? चित्त रूपी दर्पण मार्जित होता है। चित्त को पकड़ा जा सकता है? मन को तो पकड़ा नहीं जाता, बुद्धि पकड़ में नहीं आती, अभिमान पकड़ में नहीं आता, चित्त को पकड़ा जा सकता है? जब पकड़े नहीं जाएगा तो सफाई कहाँ से होगा, है जी? ठीक बात। भगवान का नाम भी ऐसे ही है, वो चित्त से भी अधिक सूक्ष्म है, सूक्ष्म तत्व स्थूल को पकड़ लेता है, सूक्ष्म तत्व स्थूल को पकड़ लेता है। ब
वंशा कल्पद्रुभ्य कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। चित्त रूपी दर्पण को साफ करने वाला भगवान का नाम है, और वह भगवान का नाम कैसे सफाई करता है इसको हम कल को स्मरण करेंगे। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, हम भूल जाएंगे। वंशा कल्पद्रुभ्य पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय राधे श्याम। आज की सभा को यहीं विश्राम। जय राधे श्याम।